and I promise you it's never gonna budge or melt in the scorching heat. Also, this technique is recommended by Dermax. Jitni layers up makeup ki lagaoge, utna zyada sweat karoge aap. Welcome back to my YouTube channel. If you are new here, this is Drishti Vora and welcome back to yet another episode of Recreating Basics with Drish. So, aaj ke episode mein main aapko sikhane wali hu how to do that sweatproof makeup because it is so hot outside. It's literally 45 degrees and I'm pretty sure we cannot stop our lives just because it's hot outside and all we can do is find ways or techniques to make our makeup last. So, this is like a step-by-step tutorial for you guys. And for people who are just starting out makeup, you guys know this series is all about, you know, beginner friendly makeup. And isme koi bhi aise products main nahi use karungi which are really expensive or, you know, on the high end side. They're all affordable drugstore products, so do not worry. Ab video ko skip bilkul bhi mat karna kyunki agar aapne koi bhi step miss out kar diya, आपका मेकअप मेल्ट हो जाएगा एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस डू नॉट वांट दैट बिकॉज इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा दैट यू हैव टू आइस योर फेस विद एन आइस पैक. आप कोई भी आइस पैक उठा लो एंड दिस इज द वन दैट वाज केप्ट एट होम. सो आई एम जस्ट गोना पुट दिस इन अ क्लॉथ. इट्स नॉट अ क्लॉथ, इट्स लाइक अ हैंकी. सो इसको बस इस हैंकी में डाल के ना आपको अपने फेस को एकदम कूलिंग देनी है, एक कूलिंग इफेक्ट देना है. जैसे समर्स में हम सबको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए, सेम वे आपकी स्किन को कूलिंग चाहिए होती है जस्ट टू मेक दैट मेकअप लास्ट. ऑल्सो दिस टेक्निक इज रेकमेंडेड बाई Dermax बिकॉज फर्स्टली इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन फ्रॉम योर स्किन, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है बाहर एंड उसकी वजह से ना स्किन इन्फ्लेम हो जाती है. सेकेंड इज दैट यू आर कन्फ्यूजिंग योर बॉडी टू थिंक दैट इट्स कोल्ड आउटसाइड वाइल यू अप्लाई दिस ऑन योर face because it's going to give a very cooling effect. So you know automatically your skin gets into that mode that it's cold outside and you cannot sweat that much, and that's why whenever you apply makeup you are not going to sweat if you follow this technique. So you cannot apply direct eyes, please don't do that, you might end up burning your skin because this technique is not helpful for everybody and I have a super sensitive skin. That's why I don't even, you know, go in for like प्योर आइस ऑन माई फेस. अब नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर यूज करना विद सनस्क्रीन. सो आई एम गोना गो इन विद दिस बायोडर्मा एटोडर्म मॉइस्चराइजर विद दिस डॉट एन की विटामिन सी सनस्क्रीन. इन दोनों को ना मिक्स करके मैं हमेशा लगाती हूँ एंड आई एम नॉट गोना यूज टू मच प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर एंड इट माइट मेक यू स्वेट इन समर्स. प्लस मैं उसके अंदर सनस्क्रीन भी डाल रही हूँ. सो दैट्स वाई आई एम जस्ट गोना लाइक मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ दिस एंड मोर ऑफ दिस बिकॉज आई नीड ऑल दैट SPF ऑन माई फेस बिकॉज इट्स रियली हॉट. Now you guys can see my face is super duper dewy and ऐसा फेस लेके आप सन में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट करोगे वरना. सो टू मेक दिस मैट आई एम गोना गो इन विद द मैटिफाइंग प्राइमर. सो ये वाला प्राइमर ना मेरे को PR में आया था एंड ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है यार. इट्स फ्रॉम मिलाप कॉस्मेटिक्स एंड दिस इज द फ्लॉलेस मेकअप प्राइमर एंड इट्स ऑयल फ्री एंड इट गिव्स अ लॉन्ग लास्टिंग बेस. सो इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर विच आई एम गोना बी यूजिंग. As you guys can see, it's very like silicone-y. So I'm just gonna apply this all over my pores real quick because मेरे को अपने pores hide करने हैं. Plus ये वाले जो areas होते हैं ना बहुत ज़्यादा sweat करते हैं. So make sure कि आप इन वाले areas पर बहुत ज़्यादा primer लगाओ और अच्छे से लगाओ. एंड गाइज, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि नो मैटर वॉट स्किन टाइप यू आर, इफ़ यू गो इन द सन यू विल स्वेट. सो इफ यू आर अ ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, वट एवर स्किन टाइप यू आर, यू विल स्वेट. सो नाउ आई एम गोना गो इन विद अ कंसीलर बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ अ फाउंडेशन, इट्स गोना बी वे टू हैवी ऑन माई फेस एंड आई एम गोना स्वेट इवन मोर बिकॉज जितनी लेयर्स आप मेकअप की लगाओगे उतना ज़्यादा स्वेट करोगे आप. सो जस्ट मेक श्योर यू कीप इट वेरी लाइट. सो आई एम जस्ट गोइंग इन विद दिस L'Oreal इनफैलिबल कंसीलर इन द शेड 312 Amber and this is such a good concealer. I was gonna say moisturizer. It is such a good concealer, I cannot even explain. It's mattifying kind of but not too mattifying and it's perfect for people with dry skin who want to go in the sun, but it's also good for like people who have oily, combination, whatever skin type you have, it's good for them also because anyway it is kind of mattifying, so it works for all skin types. So I'm just gonna apply like really less all over my face and do spot concealing. And I'm going in with this Prosh Beauty makeup sponge because this one is really, really good. So I'm just gonna blend everything out really quickly.
Now to lock all of this in so that it does not move, I'm just going to go in with this loose finishing powder from Maybelline. It's the Fit Me loose finishing powder in the shade 15 Light. I'm going to link all the products down below for you guys to check it out so it's easier for you. So I'm going to go all over my face and just set it completely so that when I go out, it does not move. So can you guys see the difference, like how matte my face is looking on this side and over here it looks a little dewy. So this is exactly what we need. Hame pura matte karna apna face taki bilkul bhi sweat na kare. Now take a tissue and start pressing it all over your face. So isse kya hoga na, jo bhi aapki first layer hogi makeup ki, we can get rid of that. And jab bhi sweat hota hai, wo first layer sabse pehle utarti hai. So hame wo utarni nahi hai sweat se, hum pehle hi usko utar lenge. Gently start pressing your face so that all that excess makeup can come off easily. Now to seal all this makeup, once again go in with a setting spray, and I'm going in with this Pakka Micro Finish setting spray. This is like my all time favorite. It's such a good setting spray. Iske particles itne zyada fine hai and it smells really really good. So these were all the steps that you need to follow when you do your base, and isse aapka makeup bilkul bhi hilega nahi ya sweat nahi karega. It's not going to come off, don't worry. Ab jaldi se jaake main apna baki ka makeup kar leti hu and then I'll be back. So this is the final look. I just filled in my eyebrows, added some mascara and some lipstick, and that is it. That's all you need to do for a sweatproof makeup, and I promise you it's never gonna budge or melt in the scorching heat. So that's it for today's video, and I hope you guys found this super duper helpful. And if you want me to make more such videos, then do let me know in the comments below. Now go and subscribe to my channel right now, hit that bell icon, and I'll see you in my next video. Bye guys.